हेलो एवरीवन, ये है वीडियोस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल फॉर सिविल इंजीनियर्स। आज की वीडियो में हम स्टैट प्रो के वेरिफिकेशन एग्जांपल सॉल्व करेंगे, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे आप आने वाली फीचर्स वीडियो को देख सको। हो सकता है स्टैट प्रो की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन सिविल इंजीनियर्स की कोई और वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैट प्रो के वेरिफिकेशन एग्जांपल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेरिफिकेशन एग्जांपल होते कहाँ है, तो सबसे पहले आपको जाना है हेल्प में। ये देखिए, यहाँ कॉर्नर पे हेल्प है। हेल्प में जाओगे, इसके अंदर है कंटेंट। कंटेंट में जब आप देखोगे इंडेक्स में, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एप्लीकेशन एग्जांपल, और इसमें आपको एग्जांपल है अमेरिकन एंड ब्रिटिश। अमेरिकन एग्जाम्पल एंड ब्रिटिश एग्जाम्पल, ठीक है। इंडियन एग्जांपल नहीं है इसमें, तो हम अमेरिकन एग्जांपल को ओपन करते हैं। इसके अंदर भी दो चीज़ें हैं, एक है आपका एग्जांपल प्रॉब्लम्स, एक है वेरिफिकेशन। सबसे पहले हम वेरिफिकेशन करेंगे, हम ये तो पता कर लें कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। वेरिफिकेशन में रिजल्ट गिवन है, हम रिजल्ट मैच करेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे अमेरिकन के, सेम प्रॉब्लम ब्रिटिश में दिया हुआ, यूनिट्स चेंज रहेंगी, तो आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वेरिफिकेशन एग्जांपल देखिए, कितनी सारी वेरिफिकेशन एग्जांपल है, 22, और इसमें सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो फर्स्ट एग्जांपल लिखते हैं प्लेन ट्रस। ये प्लेन ट्रस की प्रॉब्लम है, इसमें ट्रस गिवन है, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ओके, ये जो एक बहुत ही फेमस बुक है टिमोशेंको की, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उस बुक से एग्जांपल लिया हुआ है बेंटली ने, अपने स्टैट प्रो की हेल्प में डाला हुआ है। प्रॉब्लम नंबर 3, पेज नंबर भी गिवन है। ये कह रहा है कि आपको डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट सपोर्ट 4। सपोर्ट 4 पर आपको हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इस सपोर्ट पे ये रिएक्शन, यहाँ पे पी फोर्स लगा हुआ है। अगर आप वर्टिकल रिएक्शन की बात करो, अगर पी फोर्स लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन, तो यहाँ पे जो वर्टिकल रिएक्शन होगी 5, क्योंकि सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर भी 5, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इस फोर्थ पर आपसे पूछ रहा है। डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट सपोर्ट 4 पर, यहाँ पे रिजल्ट दिया हुआ है, ठीक है। एडवांस सॉल्वर, बेसिक सॉल्वर, थ्योरी आर फोर पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ रही है 8.77, थ्योरी से, स्टैट से भी इतनी आ रही है, चेक करते हैं। अब इसका डाटा हमें क्या चाहिए, यहाँ पिन सपोर्ट है गिवन है, यहाँ हाइट इसकी 50 इंच है गिवन है। हॉरिजॉन्टल हाइट हम यहाँ पे देखिए, इसका डाटा दिया हुआ है 150 इंच और 150 इंच, ठीक है। अगर इसको पढ़ना नहीं जानते तो मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए स्टार्ट बेसिक से, तो आप इसको पढ़ना जान जाएंगे। जॉइंट कोऑर्डिनेट्स हैं फर्स्ट जॉइंट, सेकेंड जॉइंट, थर्ड जॉइंट, फोर्थ जॉइंट, फिफ्थ जॉइंट, ठीक है। तो सेकेंड जॉइंट 150 पे, थर्ड जॉइंट 150 पे, और फोर जॉइंट 300 पे। इट मीन्स 00, 150 एंड ये आपका 300, ठीक है। तो हम इसको हमारे को हमें पता है कि ये 50 इंचज और डायमेंशन हमें पता चल गई। अब इसकी प्रॉपर्टीज़, ये जो आपके मेंबर्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या गिवन है। प्रॉपर्टीज़ है 1 4 प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक मेंबर लिया है, क्या होता है हम अंदर जाके देखेंगे। और जॉइंट लोड 10 लिया हुआ है, यूनिट्स है इंच और किप्स में, तो 10 किप्स इन्होंने लोड लगाया है कहाँ पर, इस जॉइंट पे, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जूम कम कर लेते हैं। न्यू प्रोजेक्ट स्पेस वेरिफिकेशन 1, यूनिट फुट नहीं इंचज होगी एंड किलो पाउंड। नेक्स्ट देखिए, ये जो एरर आ रहा है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि एरर नहीं कहेंगे, इसे मैसेज कहेंगे। हम जो डिफॉल्ट हमारी जो हमने सेटअप किया था, जब हम इंस्टॉल कर रहे थे स्टैट प्रो, तब जो डिफॉल्ट यूनिट सिलेक्ट की थी हमने, SI यूनिट की थी मीटर किलो न्यूटन,
इसलिए वो एक वार्निंग हमें दे रहा है। फिनिश, हमने 00 पे क्लिक किया, एक जॉइंट बन गया, ग्रिड को क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने नॉट कर्सर लिया और जॉइंट को सिलेक्ट किया, ओके। फिर हमने इसको ट्रांसलेट टूल लिया, अगर आप इसमें प्रॉब्लम में देखेंगे तो ये 150 इंच है, ये 150 इंच है, तो टू स्टेप लिए हमने और यहाँ पे डाला 150 इंच एक्स डायरेक्शन लिंक, ठीक है। अगर फ्रंट व्यू में जाएंगे इस तरह से रहेगा। अब इस प्रॉब्लम में देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, 50 इंच ऊपर उठी हुई है, तो बहुत ईजी है। इस जॉइंट पे आप क्लिक कीजिए, क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिखाई देंगे, इसका जो वाई है वहाँ पे चेंज कर दीजिए 50 इंच, ओके। फिर इस जॉइंट को सिलेक्ट कीजिए और ट्रांसलेट कीजिए वाई डायरेक्शन में 50 इंच लिंक, ओके। उसके बाद एड बीम यूज कीजिए और यहाँ से आप मेंबर बना दीजिए। नेक्स्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है आपके पिन, यहाँ पे पिन है, हमने जनरल में गए, सपोर्ट, क्रिएट पिन, और पिन सपोर्ट पे क्लिक करके हमने यहाँ पे प्लेन पिन सपोर्ट असाइन कर दिया। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी यहाँ पर गिवन है प्रिज्मेटिक, यहाँ प्रॉपर्टी में गए, उसके बाद डिफाइन, और यहाँ पे आपके जनरल है, इसी को प्रिज्मेटिक बोलते हैं। इन्होंने क्या किया है देखते हैं, इन्होंने आपका देखिए फर्स्ट मेंबर को AX50, देखिए AX है यहाँ पे 5, ठीक है, और ये क्या है मेंबर नंबर 1 और 4। टोटल कितने मेंबर है, 1 2 3 4 5 मेंबर हैं। तो उन्होंने क्या कह रहा है, 1 और 4 को एक प्रॉपर्टी दी है, और उन्होंने 2 और 5 को एक प्रॉपर्टी दी है, और 3 को एक प्रॉपर्टी दी है, ठीक है। तो इसको एक बार समझ लेते हैं, क्या कह रहे हैं, 1 और 4 मेंबर को प्रिज्मेटिक AX5 जिसका है वो किसके लिए, 1 और 4 ऐड कर लिया। उसके बाद ये बोल रहा है कि 2 और 5 को दिया है 3, ठीक है, तो यहाँ पे AX डाला 3 और ऐड कर लिया। उसके बाद इसने कहा है कि 3 मेंबर को दिया हमने AX2 3 प्रॉपर्टी होगी, ये प्रॉपर्टी किसके लिए, मेंबर नंबर 1 एंड 4, ये 2 एंड 5, और ये आपकी 3। अब शिफ्ट और बी प्रेस करेंगे तो मेंबर के नंबर आ जाएंगे 1 4 2 5 3 इस तरीके से। तो फर्स्ट है आपकी 1 4, सेकेंड है आपकी 2 5, और थर्ड है आपकी दिस नंबर। नेक्स्ट स्टेप है आपका लोड, लोड एंड डेफिनेशन, लोड केस डिटेल, एड डेड लोड, डेड एड क्लोज, डेड लोड में ऐड करेंगे नोडल लोड, एफ वाई लिया है -10 किप्स, जो पी आपको गिवन है इसको हम लगा देंगे यहाँ पे, यूज कर्सर, और ये हमने लगा दिया बस। फिर प्रिंट ऑल करते हैं यहाँ पे हम एक बार और एनालाइज कर देते हैं। 15 एरर्स, एरर्स आना अच्छी बात होती है, अब एरर आ गए तो हमें एक नई चीज़ पता चलेगी पक्का। डन किया मैंने, आउटपुट ओपन होगा, यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने मिसिंग IX मिसिंग और वेरी स्मॉल फॉर फर्स्ट मेंबर। अच्छा, यहाँ पे मेरे को देखने को मिला फर्स्ट मेंबर के मोमेंट ऑफ इनर्सिया X, Z और Y में बहुत मिसिंग है या तो बहुत स्मॉल है। इसी तरह 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5 सबकी प्रॉपर्टी में गड़बड़ आ रही है, तो एक बार प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम जरा। प्रॉपर्टी पे डबल क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है यस IX IY IZ, दरअसल इनर्सिया भी तो होगा अगर मेंबर का कुछ साइज है ना, लेकिन इनर्सिया के ऊपर इसके रिजल्ट डिपेंड नहीं कर रहे, तो कुछ भी हम दे देते हैं, दोनों मेंबर कर देते हैं, ठीक है। इनर्सिया का इसलिए इफेक्ट नहीं पड़ रहा है क्योंकि हम केवल स्ट्रक्चर को एनालाइज कर रहे हैं, एनालाइज कर देते हैं। तो अब हमें चेक करनी है इस मेंबर पर हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो फोर्स क्रॉस प्रोसेसिंग में जाएंगे, रिएक्शन 9.365 किप्स, जबकि यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 8.77। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने पॉइजन रेशियो और ई अलग लिया है, तो यही हम ले लेते हैं।
पॉइजन रेशियो एंड ई, तो उन्होंने मेंबर प्रॉपर्टी कांस्टेंट और दिस मेंबर प्रॉपर्टी हमने देखो ये ली है और यहाँ पे हम कांस्टेंट के नीचे ये एंटर कर देते हैं और कंक्रीट हटा देते हैं क्योंकि स्टील है ये, ठीक है। अब सेव कर किया क्या है मैंने, हमारा जो डिफॉल्ट यहाँ पे अप्लाई किया हुआ था हमने कंक्रीट, पर इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उन्होंने ई इलास्टिक मॉडुलस ये गिवन है और पॉइजन रेशियो स्टील का है, तो हमने सारी प्रॉपर्टी हटा दी और हमने ये कॉपी कर दिया। अगर आपको ये स्टैट एडिटर नहीं आता है, ये क्या है प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है, तो स्टैट प्रो की मेरे इस चैनल पर एक सीरीज़ है, उसमें देखिए जो बेसिक स्टार्ट है वो इसी से स्टार्ट है कि हम प्रोग्रामिंग से कैसे स्टैट प्रो में कुछ भी बना सकते हैं। तो एनालाइज करते हैं और रिजल्ट चेक करते हैं, 9.365, ओके नो प्रॉब्लम। चेक करते हैं क्या क्या दिक्कत है, 10 किप्स लगा हुआ है लोड, ठीक है। एक चीज़ और चेक करते हैं इसमें, मेंबर नंबर 1, 2 ये है, 3, 5 ये है, 2, 5 4, 5 ओके। इसमें देखिए 1, 2 ये है और 4, 5 ये है, यानी कि 1 और 4 को सेम प्रॉपर्टी, इसको और इसको सेम प्रॉपर्टी मिलेगी, इसको और इसको सेम प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है। हमने मॉडलिंग इस तरीके से बनाई है इसलिए, तो ये जो है हम क्या करते हैं इसको, ये प्रॉपर्टी 1 और 4 इन दोनों पे है, ठीक है अप्लाई, और ये वाली प्रॉपर्टी इन दोनों पे है और ये प्रॉपर्टी इस पे। अब एनालाइज करते हैं, अब देखते हैं रिजल्ट 8.765, अब हमारा रिजल्ट करेक्ट आ रहा है, 8.77 राउंड ऑफ करके 7। तो इस तरह से देखिए, अब ये प्रॉब्लम मैंने बिना ट्राई किए स्टार्ट कर दी थी वो वीडियो बनानी, इसमें बहुत सारी चीज़ों का पता चला हमें, ठीक है, और हमने सीखा कि कैसे हम किसी चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास सॉल्यूशन ना होता, हम बनाते लोड लगाते कि हो गया, ठीक है, तो हमने सॉल्यूशन के साथ इसको सॉल्व किया और हमारा रिजल्ट करेक्ट आया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे नहीं लिंक्डइन पे भी शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हो तो कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे एक ग्रुप बनाइए सिविल इंजीनियर्स के नाम से, उस पर शेयर कीजिए प्लीज़। और नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट वेरिफिकेशन होगा, नेक्स्ट वेरिफिकेशन है आपका बीम ऑन स्प्रिंग सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट स्प्रिंग लगी, देखा इसमें, इन वेरिफिकेशन में आप एडवांस सीखते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।